पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी जरूरतमंदों की मदद में जुट गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के 1 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं को 5 करोड़ जरूरतमंदों की भोजन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी है, जिसे लेकर उन्होंने आज देश भर के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कहा कि कल से कोई भूखा ना सोए मुहिम का आगाज होगा। 27 मार्च को जयपुर शहर में सेवा भारती की ओर से जरूरतमंदों को कच्चा राशन दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो दाल और अन्य चीजें दी जाएंगी। राजस्थान में 69 लाख लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वहीं 80,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं को ये काम सौंपा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि जरूरतमंदों में 90% वो लोग हैं जिनके पास रोटी बनाने का साधन है, वहीं 10% वो लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को सूखा सामान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर फैसला किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के 1 करोड़ कार्यकर्ता 5 करोड़ लोगों को भोजन शुरू करेंगे। ऐसी कोरोना की आपदा में मैं ये मानता हूं कि राजस्थान में भी इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन इसमें साफ तौर पर 80% वो लोग हैं जिनको ड्राई राशन चाहिए, उसकी उपलब्धता अपने अपने स्तर पे MLAs, MPs, NGOs, भामाशाह हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं प्रशासन के साथ सहयोग करके, क्योंकि वितरण का काम प्रशासन करेगा। भामाशाहों को भी प्रेरित किया है।